बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, लशमिश होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। और जी बिल्कुल, फाइनली दिस वीडियो इज़ हेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसका मैंने किया था वादा कि 20 ऐसी जॉब्स आइडियाज़ या 20 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो कि लेडीज़ के लिए हैं या फीमेल्स के लिए हैं, वुमेंस के लिए हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग कि मैं आपको आइडियाज़ दूँ, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहती हूँ। उनमें से ये कि सिर्फ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ये कि आइडियाज़ आपको मिलेंगे अगर आपको लगता है कि आप इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, बेहतर कर सकते हैं जो भी मैं आपको अभी काम बताऊँगी, तो आप ज़रूर करें। लेकिन दो तीन चीज़ें याद रखें, जहन नशीन कर लें, अपने पल्लू के साथ बांध लें। वो ये कि पहली बात ये कि जब आप काम स्टार्ट करेंगे, 6 महीना साल लगता है स्टेबल होते हुए, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हुए, तो आपने जो है दिल बर्दाश्त नहीं होना, परेशान नहीं होना। सेकेंड ये कि नेगेटिव लोगों की आपने बिल्कुल नहीं सुननी, जो लग पुलिंग करते हैं रिश्तेदार या जो भी आपके सर्कल में लोग मौजूद हैं, कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, लोग कर रहे हैं, तुम कैसे करोगी, ये वो सब, उनको ज़रा आपने दूर रखना है। और तीसरा ये कि नेवर गिव अप। मुश्किलात आती हैं, मसले आते हैं, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने ठान लिए कि आपको ये काम करना है, खुद को स्टेबल करना है, खुद को एम्पावर करना है, तो डू इट। जो पहला ऑप्शन है, वैसे मैंने कुछ लिख के रखी है और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को हम शॉर्ट करें। तो कुछ चीज़ें मैंने लिख कर रखी थी। पहला ये कि ऑनलाइन बिज़नेस आप कर सकती हैं, शायद आपको यहाँ पे उल्टा नज़र आएगा। ऑनलाइन बिज़नेस आप किस तरह से कर सकती हैं? आप सेल आउट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, क्लोथिंग आइटम्स हो सकते हैं, वो जूते हो सकते हैं, वो ज्वेलरी हो सकती है, वो हाउस होल्ड आइटम्स हो सकते हैं, वो स्टेशनरी हो सकती है, वो स्टफ टॉयज हो सकते हैं, वो बच्चों के कपड़े हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती हैं। तो उसके लिए आप सोच रहे होंगे कि पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं, आपको सबसे पहले करना ये कि फेसबुक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है, इसके अलावा ओलेक्स पे मौजूद है, बाकी वेबसाइट पर मौजूद है, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, व्हाट्सएप सर्कल आप अपना यूज कर सकते हैं, आपने किसी डीलर से कनेक्शन बना लेना है जो डेकोर आइटम जो ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनसे तस्वीरें मंगवानी है, और तस्वीरें मंगवा कर आपने पोस्ट करनी है। और अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो डेफिनेटली आपने इन चीज़ों को डिलीवर करवाना है और अपना इंसेंटिव रखना है। और उसमें कॉस्मेटिक आइटम्स भी हो सकते हैं, मेकअप का सामान भी हो सकता है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको लगता है कि आप उनमें इंटरेस्ट है या आपके जो ऑडियंस इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उसमें इंटरेस्ट लेंगे। ठीक हो गया। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा आ गया या इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो आप अपना स्टॉक मंगवा कर रख लें और उनमें सेल आउट करने में फ्रोजन आइटम भी हो सकते हैं, कुकिंग की चीज़ें भी हो सकती हैं और ऑल दैट। सेकेंड इज इवेंट मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि हर फीमेल जो है इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है, गुड इवेंट मैनेजर है। आप अपने घर पे दावतें करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आपने क्या करना है, स्मॉल सर्कल में अपने फ्रेंड्स के, अपने लोगों के बर्थडे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देनी है, या ब्राइडल शावर या कुछ इस तरह की जो बेबी शावर है, उपटन है, मेहंदी है, को भी आपने इवेंट मैनेजमेंट में ये चीज़ें मैनेज करनी है, उनको प्रॉपर एक इवेंट प्लान करके देना है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, और फिर अपना एक पेज भी बनाना है, अपनी एक PR बिल्ड करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपका एक ब्रांड बन चुका है, लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया है, ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपनी टीम रख सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट रख सकते हैं, उन लोगों को सैलरी या हायर कर सकते हैं, जो भी आपके मामला आते हैं आप वो करें। और फिर आप कॉर्पोरेट इवेंट कर सकते हैं, आप वेडिंग के जो ग्रैंड इवेंट्स हैं वो पकड़ सकती हैं, आप इसके अलावा फेस्टिवल करवा सकती हैं, इसके अलावा जो है आप एग्जीबिशंस करवा सकती हैं। थर्ड इज़ एजुकेशनिस्ट और ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है कि आप टीच अच्छा कर सकते हैं कोई भी काम, और ट्रेनिंग में आप अच्छी हैं, तो अगर आपको एम्ब्रॉयडरी अच्छी आती है तो आप एम्ब्रॉयडरी सिखा सकते हैं। आपको लगता है आप बेकिंग में अच्छे हैं तो आप बेकिंग सिखा सकते हैं, बेकिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आप मेकअप अच्छा करना जानती हैं तो आप मेकअप वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं। आप कोई भी स्किल जानती हैं जो कि आप सिखा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वट एवर यू कैन से, आप बस कोई भी स्किल है जो आप किसी को सिखा सकती हैं, तो आप अपनी सर्विसेज दें, सिखाएं, फ्री चार्ज करें, और आप इस तरह से कमा सकती हैं। फोर्थ इज फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छी जानती हैं, आपने कुछ पढ़ा हुआ है इस तरह का, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है आपकी, बैंकिंग नहीं कर पाएं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को ऐसे असिस्ट कर सकती हैं, आप इसके हवाले से वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, किसी कंपनी को अपनी ऑफलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती हैं। नंबर फाइव इज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र का ये था इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अगर आपको लगता है कि आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी जानती हैं, आप डेकोर कर देते हैं, आप घर को एक अच्छा बना सकती हैं वॉलपेपर्स के हवाले से, या इसके अलावा से बहुत सारे लोग हैंडमेड आइटम्स भी बनाते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपने बकायदे को स्टडीज़ किया हुआ है, तो आप किसी कंपनी के साथ एज असिस्टेंट ज्वाइन कर सकती हैं, स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, या एज अ फ्रीलांसर भी ये काम कर सकती हैं।
सो इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर का हमारे यहाँ भी रिवाज बढ़ता जा रहा है बिकॉज एवरीवन इज़ अ यू नो वर्किंग लेडी, सारी जो है ऑफिस वगैरह जाती है तो वो बच्चे वगैरह जो है खुद नहीं देख सकते हैं, बच्चों को साथ संभालना मुश्किल होता है, तो डे केयर सेंटर कुछ छोटे बच्चों के लिए अब बन चुके हैं और कुछ लोग घर से भी सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ लोग बच्चे चाहते हैं कि घर वाला माहौल उनको दिया जाए। अगर आपको लगता है कि आप बच्चों की एक्टिविटीज़ करवा सकती हैं, आपके पास एक प्रोजेक्टर है जिन पर आप पोएम्स प्ले कर सकते हैं, आपके पास टॉयज हैं, उनको बच्चे आपके साथ जो टाइम स्पेंड करना खुश होते हैं टाइम स्पेंड करके, या आप बच्चों के साथ आपके एक अटैचमेंट है, बहुत सारे लोग बच्चों से वैसे ही बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप डे केयर सेंटर बना सकते हैं और आप उनकी जो है उनके लिए भी चार्ज कर सकती हैं वीकडेज में या वीकेंड्स में भी होता होगा, लेकिन डे केयर सेंटर का भी ऑप्शन अच्छा है। फर्दर मैं सिर्फ ऑप्शन दे रही हूँ तो आप लोग बाकायदा इस पर रिसर्च करके ये काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 7 इज़ कंसल्टेंट या रिलेशनशिप एडवाइज़र। रिलेशनशिप एडवाइज़र से मुराद है काउंसलिंग, जो आजकल हमारे यहाँ बहुत चल गया ट्रेंड काउंसलिंग, बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हो या कुछ, तो उनको थेरेपी चाहिए होती है, और थेरेपी एक लिसनिंग, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, तो अगर आप बेहतर लिसनर हैं, आप सुन सकते हैं, आप किसी प्रॉब्लम का हल बता सकते हैं, या आपके पास कुछ सोल्यूशंस हैं, या आप लोग यू नो आपके पास मशवरे लेने आते हैं, तो बिल्कुल आप ये भी चार्ज कर सकते हैं, आप पर सिटिंग के हिसाब से या मंथली बेसिस के हिसाब से जो भी वट एवर, इस पर भी आप रिसर्च करें, मैं सिर्फ ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं आप कमेंट करें तो इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। नंबर 8 इज़ वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है, हर बिज़नेस के लिए वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, जो लोग बड़े स्केल पे करते हैं, तो आप अगर प्रोग्रामिंग आपने की भी, आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, तो आप ऑनलाइन या घर से ये काम भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आजकल नखरे बहुत हैं वेब डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर्स के, लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरत है, हर कंपनी के छोटे छोटे काम के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता है। आपकी बहन ये काम खुद सर अंजाम देती है, लेकिन आप इसके लिए कोर्सेज करें और आप लोगों को सिखाएं, या सिखाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप पोस्टर्स बना सकते हैं और अच्छा खासा चार्ज करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, किसी भी कंपनी के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। नंबर 9 इज़ अगर आप जाम अच्छे बना सकते हैं, जैम्स या अचार अच्छा बना सकते हैं, या आप कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, आपको लगता है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप वो सेल कर सकती हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में, और डिफरेंट पिकल्स एंड जैम्स का बिजनेस भी आप कर सकती हैं। सो नंबर 10 इज़ कुकिंग। कुकिंग में आप बहुत अच्छी है, तो कुकिंग बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप सिखा सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, इसके अलावा आप टिफिन बना सकती हैं, ऑफिस में भिजवा सकती हैं, और आप कुकिंग वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं। सो नंबर 11 तो नहीं मेरे पास, मैं देखती हूँ नंबर 11 पे हमारे पास क्या था, हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, साथ साथ काम करेंगे बिकॉज ज़रूरी है। मेरे नंबर जैसे रखे थे आप लोगों के लिए ताकि मुझे याद रहे। हाँ, फिटनेस सेंटर, अगर आप फिटनेस के हवाले से कुछ जानती हैं, आप ट्रेनिंग्स करवाती हैं, आप योगा करती रही हैं, या आप जिम जा चुकी हैं, या आप बहुत कुछ जानती हैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस के बारे में, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को ऑनलाइन असिस्ट कर सकती हैं, अपने कुछ कस्टमर्स उनको बता सकती हैं कि वो किस तरह से वेट मैनेजमेंट पे आप काम कर सकते हैं, वेट लूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो फिट हो सकते हैं, और अगर आप जिम बनाना चाहते हैं तो हाँ आपको कुछ आइटम्स चाहिए होंगे, ऑब्वियसली उनमें कुछ मशीनरी वगैरह कुछ चीज़ें होंगी जिसमें वेट भी हो सकता है, जिसमें ट्रेडमिल हो सकता है, तो आप वो बाय करें और अपने घर में एक जिम बना लें और उसमें लोगों को असिस्ट करें। इसके अलावा जो है ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, आपने बहुत सुना होगा आजकल ब्लॉगर हैं हम, ब्लॉगर हैं हम, ब्लॉगिंग करें हम, इन्फ्लुएंसर हैं ये सब, तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और लोग फिर आपको ऑब्वियसली रीच आउट करेंगे, तो पीआर पैकेजेस भी भेजेंगे, आप लोगों से शाउट आउट भी चाहेंगे, आपको पे भी करेंगे उनके किसी ब्रांड को वो प्रमोट करने के लिए या वो बताने के लिए। इसके अलावा जी वी हैव ऑप्शन कंटेंट राइटिंग आप कर सकती हैं, अगर आप कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हो, आप किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एनजीओ के साथ, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या किसी कोई भी बंदा जो काम कर रहा है उसको कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है, तो वो भी कंटेंट राइटिंग के लिए भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लिखना भी एक आर्ट है, तो आप लिख सकते हैं लोगों के लिए। इसके अलावा जो है नंबर 14 एचआर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, छोटे से स्केल पे आप एचआर सर्विसेज जो है, मैं वैसे वो कहते हैं कि पर्चियाँ लाया हूँ मैं, तो मैं अपनी पर्चियाँ देख रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर रही। हाँ, तो एचआर सर्विसेज में ये है कि आप फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आप काम करना चाहें, या फ्रीलांसर भी कर सकती हैं, और कंटेंट राइटिंग के हवाले से दो तीन चीज़ें हैं कि आप न्यूज़पेपर में लिख सकती हैं, आप ब्लॉगिंग पे लिख सकती हैं, इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से, जिस चीज़ का आप ब्लॉगर हैं तो आप उस पर भी लिखेंगी, तो डेफिनेटली आप उस पर एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकती हैं, कमा सकती हैं। सो नंबर 14 क्या था यार,
आई थिंक नंबर 14 वही था जो मैंने आपको बताया है. नंबर 15 इज रिसर्च राइटर. रिसर्च राइटर होने के लिए आपको क्या करना है, रिसर्च आपको करनी है, थीसिस वगैरह बहुत सारे लोग लिखवाते हैं, पेड थीसिस करते हैं. आप रिसर्च में बहुत अच्छे हैं तो आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एनजीओ के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हो सकते हैं. सो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और आप उनके लिए लिखेंगी, रिसर्च करेंगी, तो डेफिनेटली आप जो है कमा सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे. और ये ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क है, ये भी पार्ट टाइम या फुल टाइम हो सकता है किसी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंडिविजुअल लेवल पे. सो 17 एज जिसमें फीमेल्स अभी बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में एक ट्रेंड निकल आया है जिसमें, जैसे कि मैं भी टूरिज्म ऑपरेटर हूँ, मैं भी अपनी टूरिज्म कंपनी भी रन कर रही हूँ, और बिल्कुल आप ट्रैवल गाइड बन सकती हैं. आप अगर ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल करना चाहती हैं, खुद आपको बहुत सारी जगहों का पता है, तो आप एक ट्रिप अरेंज कर सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, खाना पीना सब कुछ एक पैकेज कस्टमाइज बनाकर, अपना एक पेज बनाएं, एक ट्रैवल एजेंसी बनाएं, ट्रैवल कंपनी बनाएं, ट्रैवल गाइड के तौर पे आप काम कर सकती हैं, चार्ज कर सकती हैं, और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होता है अगर आप मैनेजमेंट में अच्छी हैं. और अगेन इसमें मैनेजमेंट है. 18 इज यूट्यूब, क्या वो आपको नज़र भी आ रहा था? अगर आप यूट्यूब देखें तो यूट्यूब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, जिनके लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनका काफ़ी चेक वर्क भी आते हैं अच्छे खासे. मैं नाम भी जानती हूँ कुछ लोगों के, जो कि हम किसी और वीडियो में उनको शाउट आउट देंगे, सब व्लॉगर्स को, सब उनको जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और कमा रहे हैं. हमारा तो अभी स्टार्ट है भाई. और गिव अप नहीं करना, आपने सिखाते रहना, करते रहना है. और इसके अलावा जो नंबर 19 है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, अगर आप काम करना जानती हैं, आप हैंडमेड आइटम्स बना सकते हैं, तो आप सेल आउट भी करेंगी और उनको सिखाएंगी भी, बनाएंगी भी, तो आप उससे भी कमा सकते हैं. तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम भी ज़रूरी है. उसमें आप कार्ड मेकिंग हो सकता है आपका, उसमें डिफरेंट लोगों के लिए प्रॉप्स बना सकती हैं, बैग्स बना सकती हैं कस्टमाइज, और बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्लोजन बॉक्स है, और ये आर्ट के हवाले से काम आ गया. और नंबर 20 जो कि वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, आपके पीआर अच्छी है और आपके लोग गैदरिंग आप लोगों को सुनती हैं, और वैसे भी आप एक्सपर्ट हैं, आप रेफरेंस अच्छा दे सकती हैं, तो दैट इज़, वैसे मैं आपको एक हिंट दूँ इसके हवाले से, मिसेस खान किसको याद है? मिसेस खान, लल्लो, हम तो अपनी लल्लो चलाएंगे. तो लल्लो चलाने के साथ साथ ये मैच मेकिंग का काम एक ट्रेंड बन चुका है. मैच मेकर्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, तो आप मैच मेकिंग कर सकती हैं. मैच मेकिंग जिन लोगों को नहीं पता, वो ये कि आप रिश्ते करवा सकते हैं, रिश्ते वाली आंटी, बाजी, खाला, पप्पो, वट एवर यू कैन से, आप कर सकते हैं. बिकॉज अब तो खैर मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, तो यू कैन ईजीली डू. आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं. थोड़ा सा इसमें यू नो एक रिस्क होता है, ट्रस्ट फैक्टर को देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी यू कैन डू दैट सॉल. ये 20 आइडियाज़ थे जो मैंने आपसे शेयर किए. थोड़ी सी वीडियो इधर उधर हो रही थी, शेकी थी यार, लेकिन काम करते करते साथ साथ ये हो रहा था. कैजुअल वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद किसी टॉपिक पे, किसी आइडिया पे, किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें. मैक्सिमम आप कोई भी अपना आइडिया दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिए, सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं. सो सब्सक्राइब इट, एंड दैट्स ऑल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.